हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक कहानी सुनाई थी, दो कविताएं सुनाई थी और एक गीत भी सुनाया था। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है दो मूर्ख बिल्लियाँ। क्या नाम है कहानी का? दो मूर्ख बिल्लियाँ। बच्चों, दो बिल्लियाँ थी, उनमें आपस में बड़ी दोस्ती थी। वो जो कुछ भी उन्हें मिलता वो उसे मिल बांट कर खाती थी। एक बार क्या हुआ बच्चों, दोनों बिल्लियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अब उन्होंने इधर उधर खूब ढूंढा, देखा कि हमें कुछ खाने के लिए कहीं मिल जाए, तो लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक उनकी नज़र एक रोटी पर पड़ी और रोटी देखते ही दोनों बिल्लियाँ रोटी पर झपट पड़ी। जैसे ही रोटी दिखी और दोनों रोटी पर झपट पड़ी। एक ने कहा रोटी मैं खाऊंगी और दूसरी ने कहा मैं खाऊंगी, और इस प्रकार वो आपस में लड़ने लगी। बच्चों, लड़ते लड़ते उन्होंने देखा कि उस रास्ते से एक बंदर जा रहा था, तो उन्होंने जो है बंदर को बुलाया। उन्होंने कहा बंदर भाई, बंदर भाई, हमारी रोटी बांट दो, हम ये रोटी के लिए हमारी लड़ाई हो रही और हमें इस रोटी को बांट दो। बंदर ने कहा ठीक है, बांट देता हूँ, लाओ कहाँ है रोटी। बंदर को उन्होंने रोटी दे दी। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े करे और आधे आधे टुकड़े को नापने लगा, तो आधे आधे टुकड़ों में से बच्चों एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा था। बंदर ने वो बड़ा वाला टुकड़ा खा लिया। फिर उसने नापा, फिर दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया, फिर उसने वो दूसरा टुकड़ा भी खा लिया। इस तरह बंदर ने पूरी रोटी खा ली। अब रोटी के छोटे छोटे दो टुकड़े बच गए, रोटी के छोटे छोटे दो टुकड़े बच गए। अब बिल्लियाँ बंदर को देखती रही। उन्होंने बंदर से कहा, उन्होंने कहा बंदर भाई, बंदर भाई, आपने तो पूरी रोटी खा ली, थोड़ी सी रोटी बच गई है, हमें नहीं करना है बंटवारा, ये हमारी रोटी हमें दे दो। बंदर ने कहा अच्छा, मैं तुम्हें कैसे दे दूँ, मैं तो उस समय से बैठा हूँ तुम्हारे पास, बैठा हूँ और तुम्हारी रोटी का हिसाब लगा रहा हूँ और तुम्हें बांटने की सोच रहा हूँ, और मेरी मेहनत कहाँ गई? ये टुकड़े तो अब मेरी मेहनत के रह गए, इन्हें तो मैं खाऊंगा और तुम कैसे खाओगी? और बंदर ने जो है वो रोटी का टुकड़ा खा लिया। और दोनों बिल्लियाँ जो हैं बंदर को देखते रही जब वो रोटी खा रहा था, और दोनों को बड़ा पश्चाताप हुआ। बच्चों, इसलिए कहते हैं कि जब दो लोगों के झगड़े में जो है तीसरे को लाभ होता है, तीसरा उसका फायदा उठा लेता है, इसलिए हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कैसी लगी आपको कहानी? हाँ, इस कहानी को मैं स्कूल खुलने के बाद आपसे फिर से सुनूंगी। ठीक है बेटा।